बुंदेली लोकगीत गायक देशराज पटेरिया का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 67 वर्ष के थे। पटेरिया को बुंदेलखंड लोक गायकी क्षेत्र में लोकगीत सम्राट के रूप में जाना जाता था। उनके निधन से बुंदेलखंड ने एक महान लोकगीत गायक खो दिया है। बुंदेलखंड की आवाज माने जाने वाले लोकगीत गायक देशराज पटेरिया की आवाज पर विराम लग गया। पटेरिया का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। लोकगीत गायक पंडित देशराज पटेरिया का जन्म 25 जुलाई 1953 में छतरपुर जिले के तिंदनी गांव में हुआ था। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद उन्होंने प्रयाग संगीत समिति से संगीत में प्रभाकर की डिग्री हासिल की। इसी बीच पटेरिया की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में लग गई, लेकिन उनका मन बुंदेली लोकगीत गाने में ज्यादा रहता था। इसी कारण वे दिन में नौकरी करते थे और रात में बुंदेली लोकगीतों में भाग लेते थे। वर्ष 1972 में उन्होंने मंचों से लोकगीत गाना शुरू किया। बुंदेलखंड में फिल्मी गीतों की जगह बुंदेली गीत बजने लगे, या कहें देशराज पटेरिया के लोकगीतों का जादू हर बुंदेलीवासी की जुबा पर दिखने लगा। इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड के अल्लाह हरदौल ओरछा इतिहास के साथ साथ रामायण से जुड़े हास्य श्रृंगार संवाद से जुड़े संवाद के भी लोकगीत गाए। बुंदेलखंड में आज उनके नाम पर सबसे ज्यादा लोकगीत गाए जाते हैं। पटेरिया अभी तक 10,000 से ज्यादा लोकगीत गा चुके हैं। बुंदेली फोक के लिए चर्चित पंडित पटेरिया फिल्मी गायक मुकेश को अपना आदर्श मानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।